आज मैं बनाने वाली हूँ खरगोश, और आज आपको मैं फॉर्म पर खरगोश बनाना सिखा रही हूँ। उसमें हमें इस तरह का एक कागज लेना है और उसकी इसी तरह से हमें फॉर्म के 3 पीस कट करने हैं। दो तो मैंने पहले से कट करके रख रखे हैं ऐसे ही सेम, और एक मैं आपको कट करके दिखाने वाली हूँ। देखिए गाइस, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही कट करना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल ऐसे ही काटना है। ओके ओके और इतना सुंदर खरगोश बनके तैयार होगा कि आप भी कहोगे कि मैं भी बनाऊं। देखो गाइस, इस तरह का हमें एक फॉर्म शीट काट लेनी है, सेम एक तो 3 तरह की काट लेनी है हमें ये। अब इस फॉर्म को हमें साइड से किनारा कर देना है, फिर उसके बाद हमें इन सीटों के ये जो किनारे होते हैं, ये जो लाइंस है इधर की साइड से, ये जो लाइंस है इसको हमें सिल लेना है इस तरह से। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। देखिए इस तरह से हमें इसको सिल लेना, और ये बहुत नाजुक होता है, हमें नॉर्मली और धीरे धीरे आसानी से ही इसको सिलना है कि ये फटे ना, और ये अगर फट जाएगी तो आपका खरगोश बेकार हो जाएगा। देखो मैं सीख रही हूँ, बताती हूँ एक बार। ये हमें इस तरह से सिल लेना है, इस तरह से ये भी सिल लेना है, और इसको भी हमें सिल लेना है, ठीक है। एक तरीका कि हमें यू ये वाला आकार चाहिए, ठीक है, और इधर को ये वाला आकार चाहिए। ओके गाइस, इस तरह से हमें ये भी सिल लिया है। थोड़ा ढीला सिले, टाइट ना सिले, टाइट सिलने की वजह से फॉर्म फट जाएगा। उसके बाद हमें ये भी आपस में जोड़ लेनी है, इस तरह से इसको मच कर लेना है। मच करने के बाद इसको इधर सिलाई, इसको इधर सिलाई, और इसको इधर सिलाई लगा। अब हमें इस तरह से तीनों कॉर्नर को इस तरह से सिल लेना है, और सिलने के बाद फिर हमको इसको सीधा करना है। ये जो है ना धीरे धीरे से, क्योंकि ये फट जाता है, मुलायम बहुत होता है, तो हमें धीरे धीरे से इसको कॉर्नर को पलट लेना है। आप देखना कितना चमकी उठता खरगोश बनेगा, आप कहोगे कि वाकई में अच्छा है। अब देखो ऐसे धीरे धीरे पलटा लिया इसको, क्योंकि फट जाता है, मुलायम बहुत होता है। ये कोने हैं ना, इन्हें मुझे अच्छे से निकालने हैं, और आपको भी अगर आप बना रहे हो तो आपको भी अच्छे से निकालने हैं। हम इसको अंदर कॉर्नर में इसकी रुई भरेंगे, और रुई भरने के बाद फिर हम इसका मुंह, नाक और कान सब कुछ बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। और देखो ये वाला फॉर्म है, ये हमने अपने खरीद के रखा हुआ था टेडी बनाने के लिए। इसको हमें थोड़ा रिमूव करना है क्योंकि ये फंस जाता है, और इस तरीके से अब इसको हमें यूं करके थोड़ा सा सेव करने के बाद फिर हमें इसके अंदर भर देना है। हमें इन तीनों कॉर्नर को सिल लेना है, उसके बाद हमें ये और ये भी सिल लेना है। उसके बाद हमारा कान बनाएंगे, अभी ये रेडी होने वाला है। इसका यहाँ पे हमें मुंह बनाना है, और यहाँ पे हमें कान भी लगानी है, यहाँ कॉर्नर पे कान, और इधर को हमें पूछ जोड़ लेनी है, जिसकी जो मतलब हम पूछ पहले कान। अब हम आपको पूछ काटना सिखाएंगे, और उसके बाद कान भी सिखाएंगे। ओके गाइस, हां गाइस, मेरा पंखा बंद करो, उड़ रहे हैं। और बहुत इजीली सिल जाता है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ये फट ना जाए।
और इसके कान से लिखवा कर हमने इसकी पूंछ भी लगा दी। और मेरे पास आंखें नहीं थी, और आप इसमें बिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपके पास आंखें हैं तो आप लगा सकते हैं। हमने तो जल्दबाजी में बनाया आप लोगों के लिए वीडियो, इसलिए हमने इसमें बिंदी का प्रयोग किया। नहीं तो मैं आंखें मंगा के आंखें भी लगा के आपको दिखा सकती हूँ। और इसे मुँह हमें धागे की मदद से मुँह बना लेना है और पूंछ बना लेनी है, और हमारा खरगोश बनके रेडी है। फ्रेंड्स देखो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाय गाइस, मेरी दीदी ने क्यूट सा रैबिट बनाया है, स्वीट सा बनाया है, थोड़ा मोटा ताजी हेल्दी बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्यूट, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।